ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर है ग्रेगोरी सीरीज से जुड़ा हुआ है ना। ग्रेगोरी सीरीज का एक्सपेंशंस बताएंगे और उस पर बेस कुछ सम को डिस्कस करेंगे है ना। यूजी लेवल के स्टूडेंट के लिए है ना। 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ना नहीं ट्रिगोनोमेट्री। ये यूजी लेवल बीएससी में जो सेमेस्टर वाइज में किस सेमेस्टर में अपना देख लीजिएगा तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का है ना सबसे एक स्टार्ट एक चैप्टर को शुरुआत करते हैं जिसमें हम ग्रेगोरी सीरीज जो है ये पढ़ाएंगे। इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ और कुछ सम इस पर बेस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेट एंड प्रूफ जो है ग्रेगोरी सीरीज है ना। ग्रेगोरी सीरीज का स्टेटमेंट और प्रूफ आपको हम बताते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ 1/4 pi लेस देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 1/4 pi यानी थीटा का जो वैल्यू है ग्रेटर देन या इक्वल टू -1/4 pi लेस देन इक्वल टू 1/4 pi देन थीटा इक्वल टू 10 थीटा 1/3 10 का क्यूब थीटा 1/5 10 का 5 थीटा -1/7 10 का 7 थीटा इस तरह से आगे एक्सपेंड करते जाएंगे एन टर्म तक -1 का n -1 10 का 2n-1 थीटा बाई 2n-1 ++ इन्फिनिटी टर्म तक। ये ग्रेगोरीज का सीरीज है। सीरीज तो आप जानते होंगे जब सीक्वेंस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस या माइनस के द्वारा जब जोड़ देते हैं तो सीरीज बन जाता है, उस सीक्वेंस को हम लोग सीरीज कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये ग्रेगोरीज का था कि इफ़ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 pi लेस देन इक्वल टू 1/4 pi देन थीटा के एक्सपेंशन इस तरह से उन्होंने दिया। नाउ इसका प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो सीरीज दिए हैं उस सीरीज को हम लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं, किस तरह से इसको है ना इस्टेब्लिश किए इस सीरीज को। तो बी नॉट डाइट इसका प्रूफ हम बता रहे हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, बहुत आसान है। बी नॉट डाइट है ना सर्कुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना। बी नॉट डाइट सर्कुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट चैप्टर में देखिएगा। बी नॉट एट सर्कुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ई आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जाइएगा तो सर्कुलर एक्सपेंशंस इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसमें यदि हम कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो 1 + i 10 थीटा बन जाएगा ई आई थीटा इक्वल टू नौ जो है नौ इसका एक्सपेंशंस करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे इसका दोनों तरफ बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लेंगे। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना दोनों ओर बोथ साइड वी हैव। अब दोनों ओर लॉग लेते हैं लॉग ई आई थीटा लॉग कॉस थीटा इंटू 1 + i 10 थीटा। अब एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बताए थे जो लीनियर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन था ई लॉग ई का n पावर जो रहता था तो उसको हम लोग n लिखते थे। तो यहाँ हो गया i थीटा लॉग m इंटू n ये m है और ये n है तो लॉग cos थीटा + log 1 + i 10 थीटा।
इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जो लॉगरिथम का जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। लिखेंगे लॉग कॉस थीटा, रियल पार्ट छोड़ देंगे इमेजिनरी पार्ट को, आई टेन थीटा माइनस वन बाई टू आई का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई थ्री आई का क्यू टेन क्यू थीटा माइनस वन बाई फाइव आई का फाइव टेन फाइव थीटा। इस तरह से आगे हम एक्सपेंड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी टर्म तक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसमें हम रियल और इमेजिनरी दो पार्ट में हम उसका एक्सपेंशंस को लिखेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट में हम सेलेक्ट करेंगे तो लॉग कॉस थीटा और ए पार्ट को रियल पार्ट में ले लेंगे, प्लस वन बाई टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक जो है यहाँ से इसको रियल पार्ट बनाने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं वन बाई फोर आई का फोर टेन फोर थीटा प्लस वन बाई फाइव आई का फाइव टेन फाइव थीटा। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक। अब आई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन था, आई का यदि फोर रहेगा तो वन होगा, तो वन बाई फोर टेन का फोर थीटा। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक एक रियल पार्ट ही बनाए। इमेजिनरी पार्ट में जब आप सेलेक्ट कीजिएगा टर्म का, ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा। इसमें हम आई कॉमन ले लेंगे टेन थीटा और माइनस वन बाई थ्री टेन का क्यू थीटा और वन बाई फाइव टेन का फाइव थीटा। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक है ना, इसको हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा ये आई थीटा था, अब इक्वेटिंग करेंगे ओनली इमेजिनरी पार्ट को। अब इक्वेटिंग करेंगे ओनली इमेजिनरी पार्ट को, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट बी गेट। इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेटिंग करते हैं तो क्या ऑप्टेन करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को यदि हम ऑप्टेन ये इक्वेट करते हैं तो नाउ वी हैव नेक्स्ट टर्म जो हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन थीटा वन बाई क्यू टेन का क्यू थीटा प्लस वन बाई फाइव टेन का फाइव थीटा माइनस वन बाई सेवन टेन का सेवन थीटा। इस तरह से है ना, वन एन माइनस वन टेन का टू माइनस वन थीटा बाई टू एन माइनस वन। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक। ये हमारा क्या हो गया, ग्रेगोरी सीरीज का एक्सपेंशंस आ गया। इस तरह से उसका स्टेटमेंट भी बताया आपको और क्या बताया, उसका प्रूफ भी बताया। तो इस तरह से ग्रेगोरी सीरीज का एक्सपेंशंस आपको ऑप्टेंड हो गया। नाउ इसका एक ऐसा भी हम ऐसा नोट में देखिए, इसका अनदर फॉर्म भी आप लिख सकते हैं नोट में। इसका अनदर जो फॉर्म हो गया, अनदर फॉर्म, इसको यदि हम पुट कर दें टेन थीटा को हम एक्स मान लें तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स। तो हो गया टेन इनवर्स एक्स, एक्स वन बाई क्यू, एक्स का क्यू वन बाई फाइव, एक्स का फाइव वन बाई सेवन, एक्स का सेवन। इस तरह से वन बाई माइनस वन का एन माइनस वन, एक्स का टू एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लिखना है। अब इसी में थीटा का वैल्यू यदि आप पाई बाई फोर रख दीजिए, अब आपके ऊपर है। ऐसा भी फॉर्म हो सकता है ग्रेगोरी सीरीज का। अब इसमें हम थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर रख दें तो पाई बाई फोर इक्वल टू वन वन बाई थ्री वन बाई फाइव वन बाई सेवन वन बाई नाइन। इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लिखाएगा। अब ग्रेगोरी सीरीज पर ही बेस दो तीन सम दिए हुए हैं, कोशिश करते हैं उसको भी सॉल्व करने का। तो सबसे फर्स्ट सम जो आपका दिया हुआ है, ये प्रूफ करके दिखा देना है इसको
इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है, वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाई सेवन इंटू वन बाई थ्री का होल क्यू, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक का यदि उसको सम करें तो रूट थ्री पाई बाई सिक्स आएगा। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, LHS जो हमारा है वन माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, वन बाई थ्री का स्क्वायर, वन बाई सेवन, वन बाई थ्री का क्यूब, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट थ्री को हम कॉमन ले लेंगे, तो रूट थ्री को कॉमन ले लेंगे तो हो गया वन बाई रूट थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई रूट थ्री का क्यूब, वन बाई फाइव, वन बाई रूट थ्री का फाइव, वन बाई सेवन, वन बाई रूट थ्री का सेवन, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लिखेंगे। अब इसमें जो है ग्रेगोरी सीरीज का हेल्प लेंगे और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख देंगे टेन इन्वर्स वन बाई रूट थ्री, रूट थ्री टेन इन्वर्स वन बाई रूट थ्री को टेन पाई बाई सिक्स लिखेंगे, रूट थ्री इंटू पाई बाई सिक्स, ये प्रूफ करके दिखा देना था, बहुत आसान है। ग्रेगोरीज का जो सीरीज है उसका एक्सपेंशंस का प्रूफ करना और उस पर बेस सम को सॉल्व करना बहुत आसान है, आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस पर सम डिपेंड करता है, मैथ जो है सो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर सम को प्रैक्टिस कीजिए। और आप यूजी लेवल का स्टूडेंट हैं, बीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो आपको तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बार बार उसको लिखिए। सेकेंड सम जो है वन बाई फोर पाई बाई फोर इक्वल टू टू बाई थ्री प्लस वन बाई सेवन, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री का क्यूब, वन बाई सेवन का क्यूब प्लस वन बाई फाइव, टू बाई थ्री का फाइव, वन बाई सेवन का फाइव प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक। तो RHS में हम टर्म जो है दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, उसको दो पार्ट में हम लोग लिख लेंगे, टू बाई थ्री जिसमें कि ग्रेगोरीज का फॉर्म बन जाए और उसका सॉल्व को हम लोग आसानी से निकाल लें, वन बाई फाइव, टू, थ्री का फाइव, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लेंगे। सेकेंड एक सीरीज उसी से फाइंड करेंगे, वन बाई सेवन, वन बाई थ्री, वन बाई सेवन का क्यूब, वन बाई फाइव, वन बाई सेवन का फाइव, इस तरह से दो सीरीज को हम फाइंड किए। इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, थ्री का क्यूब, वन बाई फाइव, वन बाई थ्री का फाइव, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म। सेकेंड जो है वन बाई सेवन, वन बाई थ्री, वन बाई सेवन का थ्री, वन बाई फाइव, वन बाई सेवन का फाइव, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म ले लेंगे। अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ग्रेगोरी सीरीज का हेल्प से लिखेंगे, ग्रेगोरी सीरीज का एक्सपेंशन से इसको हम लोग लिखेंगे, टेन इन्वर्स वन बाई रूट थ्री प्लस टेन इन्वर्स वन बाई सेवन। कारण अभी तुरंत बताए हैं कि थीटा इक्वल टू टेन थीटा वन बाई क्यू, वन बाई थ्री, टेन का क्यूब थीटा, वन बाई फाइव, टेन का फाइव थीटा, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म इसका एक्सपेंशन होता है। तो सपोज कर लीजिए आपका टेन थीटा हो गया, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, ये इसका एक्सपेंशन जो है सेकेंड फॉर्म जो आपका लिखाए थे उस एक्सपेंशन बेसिस का एक्सपेंशन है। इसी में हम बताए थे कि पुट कर दीजिए टेन थीटा को एक्स मान लीजिए तो आपका ये एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ग्रेगोरी सीरीज से इसका एक्स का एक्सपेंशन जो है ये लिखा है टेन इन्वर्स वन बाई सेवन और इसका एक्सपेंशन ये लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो पाई बाई फोर में आएगा। अब उसका जो है टू
टेन इन्वर्स 1/3 और टेन इन्वर्स 1/7। तो 2 tan inverse x को हम लोग लिखेंगे टेन इन्वर्स 2x और 1 minus x square। इसको लिखेंगे हम लोग टेन इन्वर्स 2x 1/3 1 minus 1/3 का होल स्क्वायर टेन इन्वर्स 1/7। तो टेन इन्वर्स 2/3 1 minus 1/9 प्लस टेन इन्वर्स 1/7। और आपको हम पढ़ाए थे 11 क्लास में टेन इन्वर्स x हो टेन इन्वर्स y हो तो टेन इन्वर्स x प्लस y 1 minus xy। तो इसको लिखेंगे टेन इन्वर्स 2/3 यहाँ 8 गया 9 गया 1 घट गया 8/9 प्लस टेन इन्वर्स 1/7 ऐसा आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। टेन इन्वर्स 2/3 9/8 प्लस टेन इन्वर्स 1/7 टेन इन्वर्स 3/4 टेन इन्वर्स 1/7। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए फार्मूला को। तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन इन्वर्स 3/4 प्लस 1/7 1 minus 3/4 इंटू 1/7 टेन इन्वर्स 25/28 और 25/28 इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे टेन इन्वर्स 1 तो टेन इन्वर्स 1 को हम लोग लिखेंगे 10π/4 यानी π/4 आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ग्रिगोरी सीरीज का जो एक्सपेंशंस है उस एक्सपेंशंस को आप ध्यान रखिए, उस एक्सपेंशंस को आप अप्लाई कीजिए, आपका सम 100% करेक्ट सॉल्व होगा। और ग्रिगोरी सीरीज का जो एक्सपेंशंस है बहुत आसान है, एक दो बार ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। थर्ड जो सम एक दिया हुआ है उसमें इस सीरीज का वैल्यू को ये लाना है। तो LHS में आप पहले लिखिए 1/3 × 5 1/7 × 9 1/11 × 13 इस तरह से नेक्स्ट टर्म तक। इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसा लिख दिए इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक। अब इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5 1/7 माइनस 1/9 1/11 माइनस 1/13 इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लिख दिए। अब इसको हम लोग 1/2 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/13 इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक लिखेंगे। अभी आपको बताए थे जैसे ये ग्रिगोरी सीरीज में थीटा इक्वल टू क्या था आपके पास, टेन थीटा 1/3 टेन का क्यू थीटा 1/5 टेन का 5 थीटा इस तरह से एक्सपेंशन था। अब यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा को पाई बाई फोर। दिस मीन्स पाई बाई फोर इक्वल टू 1 minus 1/3 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 इस तरह से इन्फिनिटी टर्म तक आएगा। इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। जो ही यूज करेंगे इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। जो ही यूज करेंगे तो आपका जो एक्सपेंशंस है वो चेंज हो जाएगा 1/2 1 minus π/4 और इसको ब्रैकेट हटा देंगे 1/2 π/8। यही तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से ग्रिगोरीज का जो सीरीज है ट्रिगोनोमेट्री में आपका उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ विथ सम को सॉल्व किए, डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा डी मेवर्स थ्योरम्स का ट्रिगोनोमेट्री में। थैंक यू।